بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين। काफी लोग सवाल कर रहे हैं, लॉकडाउन बरकरार है, ईद की नमाज के लिए क्या करें? तो किसी उज्र के सबब ईद के दिन जमात में शरीक न हो सके, मसलन सख्त बारिश हुई या लॉकडाउन है, तो ऐसे हालत में क्या करें? आइए आपको बाहरी शरीयत हिस्सा 4 मसला नंबर 16 बयान करता हूँ। मसला नंबर 16, इमाम ने नमाज पढ़ ली और कोई शख्स बाकी रह गया, ख्वा वो शामिल ही ना हुआ था या शामिल तो हो गया मगर उसकी नमाज फासिद हो गई, तो अगर दूसरी जगह मिल जाए तो पढ़ ले वरना नहीं पढ़ सकता। हाँ, बेहतर ये है कि ये शख्स 4 रकअत चाश्ती की नमाज पढ़ ले। नमाज चाश्ती की काफी फजीलत है। आइए एक फजीलत हम सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चाश्ती की 2 रकअतें पाबंदी से अदा करे उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं अगरचे समंदर की जाग के बराबर हो। उम्मीद करता हूँ ये लॉकडाउन में आप ईद की नमाज के लिए अब ये चाश्ती की नमाज अपने अपने घरों में अदा करेंगे। अल्लाह मजीद ये चाश्ती की नमाज को आप कंटिन्यू रखें, इसकी बड़ी फजीलतें आई हैं। अल्लाह पाक आपको हमको दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाएं। सल्लु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।